करने के लिए कहा था, तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर टुवार्ड्स द नॉर्थ एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपका डायग्राम दिया है। ठीक है, कोई पार्टिकल है, पहले 12 मीटर जा रहे हैं, फिर वो 90 का एंगल बना रहे हैं, 5 मीटर ये मैंने ईस्ट में, उसके बाद नॉर्थ की ओर जा रहा है, उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है और फाइनली नॉर्थ में चले जा रहे हो। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है उसका ओरिजिन से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रखा है। ठीक है, यानी हुआ है वो, उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 12 मीटर है और यहाँ 5 है और एंगल बना है 90 का। ठीक है, तो आपको ये राइट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के आप इसका रिजल्टेंट निकाल दोगे ना स्टूडेंट्स। ये आर निकाल दोगे तो आर का मतलब क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। और इसको फाइंड कैसे करोगे, आर इज इक्वल टू सेम स्टूडेंट जो आप पाइथागोरस की थ्योरम लगाते हो उससे, उसी की तरह इसको सॉल्व कर दोगे, बट पाइथागोरस नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ओ सी इज द रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम राइट ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो ओ बी निकालिए, पहले रिजल्टेंट ये निकाला, ये है फिर ये रिजल्टेंट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या है 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो ऐड करके 13 आ जाएगा। यानी ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब ये 13 है, ये 6 है और ये आपका क्या है, अगेन 90 डिग्री पर है एंगल, और तो ये आपका रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अभी फाइनल रिजल्ट हमको ये निकालना है उससे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक, तो कैसे करेंगे सॉल्व स्टूडेंट, 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे कर रखा है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर और रूट को सॉल्व करेंगे 205 और जब उसको ओपन करेंगे तो 14.30 मीटर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका अगला, ये आपका न्यूमेरिकल था, तो ये आपका सॉल्यूशन था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 4। टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट अलोंग ऑन अ पार्टिकल विद एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था तो इसमें एक पी लिया था, एक क्यू लिया था ना, ऐसे एक हमने लिया था आपका पी और एक लिया था क्यू। ठीक है, यानी एक पी लिया था, एक क्यू लिया था, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ बीचों बीच निकाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक 5 न्यूटन यहाँ 5 ले लो और यहाँ 7 ले लो और एंगल कितना है, एंगल थीटा, यानी पूरा एंगल आपका 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पूरा एंगल कितना है 60, यानी थोड़ा सा ये झुका होगा, 90 पर नहीं होगा, तो थोड़ा सा ये ऐसा टाइप का होगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आपका एंगल है। तो सॉल्व करिए स्टूडेंट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस थीटा, तो पी क्यू कॉस थीटा। पी की वैल्यू आपकी है, आपकी है 5, क्यू की वैल्यू 7, टू पी क्यू, इसको सॉल्व करेंगे 60, फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 109 और ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट ओपन करके 10.44 न्यूटन। तो इतना क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा ऐसे करके इसके डायरेक्शन बीच ऑफ बीच। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर एंगल निकालना है मेरे को, तो एंगल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट देखिए, क्योंकि रिजल्टेंट का एंगल कहाँ होगा। ठीक है, ये 5 है और ये आपका 7। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा था आपको, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, इस मगर पी के रिस्पेक्ट में हमेशा, मतलब आप भी इसके रिस्पेक्ट में निकाला करो, ये क्या होगा तुम्हारा 10 अल्फ़ा होगा। तो फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट, 10 अल्फ़ा का 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू होता था आपका, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको अकेला छोड़ दो और उसके बाद उसको ऊपर नीचे रख दो, यानी क्यू नीचे रख दो, उसके यहाँ साइन रखो साइन थीटा, यानी साइन 60 रख दो प्लस यहाँ क्यू कॉस 60 रख दो। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया ना, वो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको अकेला छोड़ देना है, बाकी क्यू साइन थीटा अपॉन प्लस क्यू साइन न क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे सॉल्व करके इसने 10 बीटा के रिस्पेक्ट, बीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आपको, बीटा लिखो, तो यहाँ पर बीटा के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, बीटा के रिस्पेक्ट में अब इसने यहाँ पर बीटा मान लिया होगा, इसने कोई दिक्कत नहीं, इसने यहाँ पर बीटा मान लिया होगा। ठीक है, हम अल्फा मान के चल रहे, तो अल्फा हम 5 के रिस्पेक्ट में मान लें। ठीक है, तो 10 बीटा लिखो है, 10 अल्फा लिखो, बात एक है, 10 अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, क्यू आपकी वैल्यू करके 7, साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, 1/√3/2 होती ना,
हाँ तो 3/2 प्लस 5 + 7 cos 60 वैल्यू 1/2 सॉल्व करेंगे तो आपको 0.71 आएगा। इस टाइम यहीं पर आप इसको आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। आगे इन्होंने सॉल्व कर रखा है बीटा को 10 को वहाँ लेके इन्वर्स में आके जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 35° 29', ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ऐसे ही आप अगला न्यूमेरिकल आप खुद भी कर सकते हो। उसे देखिए टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इज मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर आइदर फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि जो इनका मैग्नीट्यूड है वो सेम बोल रहा है और जो रिजल्टेंट है वो भी उन मैग्नीट्यूड के इक्वली है, ठीक है। उन मैग्नीट्यूड के इक्वली है जो उनका रिजल्टेंट आ रहा है उनका भी क्या है उन मैग्नीट्यूड के इक्वली उनका रिजल्टेंट भी आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यानी हम कह सकते हैं ऐसे आर इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ठीक। तो ठीक हो गया स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपको पता है रिजल्टेंट का, ठीक है। ये कंडीशन आपको है कि पी इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी की कॉस थीटा, ठीक। पी की जगह आप एक देखो पी की जगह हम पी की जगह ना क्यू की जगह पी रख दो, पी के टर्म में पूरे पूरे इक्वेशन जो ये आपकी जो ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में पी को सबकी मतलब जो भी आपको दे रखे टर्म उनकी जगह पी सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पी रख दिया, यहाँ भी पी रख दिया, सॉल्व करा, सॉल्व करने का 1 + cos θ इज इक्वल टू 1/2, इसको वहाँ भेजेंगे तो माइनस का 1/2 आ गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2, तो कॉस 120, ठीक है। ये जो 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 120 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है हमारे माइनस का 1/2, तो थीटा इक्वल टू 120 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगला देखते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल। टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी 60 degree कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, ठीक है। तो देखिए इसमें जहाँ पे रेशियो में दिया होता है आप इसको पहले आप इसको एक कॉमन रेशियो लेके उनको दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 3:5 तो 3x पी मान लो और 5x मान लो क्यू मान लो, ठीक है, सपोज कर लो इसको, ठीक। बाद में एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख के पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, ठीक। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ कंडीशन आपको एंगल भी दे रखा है 60 degree और पी की वैल्यू आपको रख दिया ये देखो फॉर्मूला आया था आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, पी की जगह हमने रख दिया 3x², 3x, क्यू की जगह 5x, ठीक है। बाकी 2PQ ये सब पुट अप कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से जब इसको सॉल्व भी किया रिजल्टेंट भी आपको 35 न्यूटन दिया था, यहाँ पर रिजल्टेंट दिया है तो 35 रख दिया, इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट हमारा आ रहा है 3:35 = 7x, तो x इक्वल टू कितना रहा स्टूडेंट 5 आ गया, ठीक है। तो 5 की वैल्यू यहाँ रख के आएगा 5 × 3 = 15, यानी p एक आपका जो मैग्नीट्यूड आ गया पी इक्वल टू 15 और दूसरा मैग्नीट्यूड आ गया 25, ठीक है ना। इसकी वैल्यू लास्ट में यहाँ पर पुट अप कर दिया मैंने, ओके स्टूडेंट्स। तो ये नेक्स्ट वाला आप खुद करना स्टूडेंट, ठीक है। देखिए आप इसको पढ़ाता हूँ। टू फोर्स इज इक्वल टू पी एंड 2P N एक्ट ऑन अ पार्टिकल इफ द फर्स्ट बी डबल एंड द सेकेंड बी इंक्रीज बाई 20 न्यूटन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, मतलब अनअल्टर्ड माने होता मतलब नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं करते। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको एक बार आप देख लेना, अगर नहीं बनेगा तो आप इसको क्या बोल देना मेरे को कमेंट्स में बताना है कि क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 बता दो करके, ठीक है, मैं समझा दूंगा इसको, अरे सॉल्व खुद करना उसको। हम देखते हैं स्टूडेंट अगला। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेज एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ना कि देखिए कि जो ग्रेटेस्ट फोर्स है तो ग्रेटेस्ट मतलब हायर बढ़ गया, देखिए थीटा बराबर जब 0 होगा ना मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, जब मैंने बताया था ना आपको ये रिजल्टेंट है, ठीक है। और रिजल्टेंट सबसे बड़ा कब होता है, जब ये वाला पी वाला और क्यू वाला, ठीक है, जो पी आपका जो पी होगा आपका क्या फिजिकल क्वांटिटी होगा या वेक्टर होगा या क्यू वेक्टर होगा, तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी तो उस टाइम में जो रिजल्टेंट था सबसे बड़ा होता है। ये मैंने आपको
उसके डायरेक्शन में बताया था, ठीक है। ये मैक्सिमम केस की कंडीशन थी जब थीटा बराबर जीरो पर, ठीक। तो उसको क्या लिखते थे हम, पी प्लस क्यू, ठीक है। तो पी प्लस क्यू का मतलब मैक्सिमम केस क्या हो सकता है, अगर एक वेक्टर तीन हो एक वेक्टर चार हो तो दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, वो होगा सेवन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कम होते रहता है, तो उसकी जो कंडीशन होती है मैक्सिमम के लिए पी प्लस क्यू लिखते हैं। तो ये जो ग्रेटेस्ट है उसकी वैल्यू कितनी रखी है आपको, ग्रेटेस्ट की वैल्यू 29 दे रखी है, ठीक है। वैसे लोएस्ट की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, जब एक वेक्टर इधर डायरेक्शन में एक वेक्टर इधर डायरेक्शन में हो, दोनों के बीच में 180 का एंगल हो, ठीक है, यानी एंटी पैरेलल जब हो, जब भी एंटी पैरेलल की कंडीशन आती है तो उस केस में क्या होता है, वेक्टर वेक्टर क्या होता है, लीस्ट होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं लीस्ट रिजल्टेंट होता है, उनका जो रिजल्टेंट उस टाइम में लीस्ट होता है, एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, उसका रिजल्टेंट भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को सबट्रैक्ट करते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो पी माइनस क्यू बोलते हैं इसको, उस केस में क्या होता है, जो रिजल्टेंट आता है पी माइनस क्यू के इक्वल आता है, ठीक है। और कम सबसे कम होता है, सबसे छोटी वैल्यू होती है वेक्टर की रिजल्टेंट की। तो पी माइनस क्यू की वैल्यू कितनी रखी आपकी, फाइव, ठीक है। तो स्टूडेंट आप दोनों देखिए, क्वेश्चन है पी प्लस क्यू इक्वल टू दिस मच, पी माइनस क्यू इक्वल टू दिस, दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो ना। सॉल्व करने के बाद आपको पी की वैल्यू 17 मिल रही है और क्यू की वैल्यू 12 मिल रही है, ठीक। अब क्या बोल रहे स्टूडेंट्स कि इफ़ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाई 3 न्यूटन, अब दोनों फोर्स को इंक्रीज करें 3 न्यूटन, तो 17 में 3 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और दूसरे वाले को करेंगे फोर्स को 3 करेंगे तो वहाँ कितना जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, सॉरी 12 में 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 न्यूटन। तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेज एक्टिंग इन राइट एंगल, अब राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। अब ये दो फोर्स लेके आना स्टूडेंट, ये दो फोर्स आपके, इन दोनों फोर्स को इनका रिजल्टेंट निकालना है, जो क्या कर रहा है राइट एंगल पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक पी को आप यहाँ रख दो 20, एक को आप रख दो 15, तो रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट 90 का हमने कॉस तो जल्दी 0 हो जाएगा, आपको पता होगा ना स्टूडेंट्स, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 90, तो ये पूरा टर्म 0, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, आर इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना 20 और क्यू स्क्वायर कितना 15, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 625 आ रहा है, 625 रूट आ रहा है, तो इसका जो रूट आएगा 25 न्यूटन आएगा, ठीक है। अब इतना पता चल गया, बाकी आपको टेन निकालना, टेन इक्वस्ट क्या होता है, टेन इक्वस्ट होता था हमारा क्या, पी अपॉन क्यू होता था ना स्टूडेंट्स, पी अपॉन क्यू, टेन बीटा निकाला या कुछ भी निकाला इसमें, या तो फिर आप जो मैंने बता रखा है आपको कैसे, ये 15 नीचे होगा ना, ये 20 नीचे रखा है, तो इसके अलॉन्ग निकाल तो क्या होगा स्ट्रेंथ, आप इस फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, हमको निकालना है, हमको क्या करना है स्ट्रेंड्स, मैंने कहा था कि अगर ये 15 होगा ये 20 होगा, ठीक है। तो 15 को निकालना तो 15 को अलग रख देना, बाकी यहाँ पर क्या होगा तुम्हारे पास, 15 क्या गया था दूसरा 20 था, तो 20 साइन 90 हो जाएगा और प्लस 20 कॉस 90, तो ये तो उड़ जाएगा, तो 20/15 आ जाएगा, ठीक है। 20/15 का मतलब उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हालांकि इसने 10 बीटा करके निकालना है, आप 10/20 करके निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका ये सॉल्यूशन था उसके स्टूडेंट्स, एक मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी का और बताता हूँ, आप बाकी इसको खुद करना, ये नया वाला क्वेश्चन है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, अगर नहीं बनेगा तो आप लिख लेना, एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं आया समझ में तो मैं इसको समझा दूँगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक। अब एक एनसीईआरटी का और करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं, अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इज इन द रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। साउथ से ईस्ट की ओर 60 डिग्री डायरेक्शन में क्या है आपकी, वाटर करंट है, ठीक है। वाटर करंट इन लहर टाइप की कहेंगे, कह रहा हुआ, ठीक है। ईस्ट ऑफ साउथ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, तो आपको बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा डायग्राम की बात करते हैं, देखिए ये है बोट की वेलोसिटी 25 किलोमीटर, वो ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये जाता नॉर्थ की ओर, और यहाँ से लहरें ऐसे करके आई जो क्या है साउथ से 60 डिग्री में, 60 डिग्री ऊपर को है, ठीक है, साउथ से 60 डिग्री ऊपर है, ठीक है। और उन लहरों, ये हवाओं की जो स्पीड है वो कितनी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 25 किलोमीटर जा रहा था, ये 10 किलोमीटर की आवर से हवा इधर को बह रही है, तो इस तो आप क्या होगा इसके लिए ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट इसमें डालेगा, तो कितना इफेक्ट डालेगा, तो
देखिए जो बोट होगा जो आप क्या होगा ये यहाँ को ना जाके उसके ना तो ये यहाँ को जाएगा ना तो ये इधर को पूरा इधर को आएगा ठीक है। ये कहाँ जाएगा इसके बीचों बीच निकल जाएगा ये बोट ठीक है। तो ये क्या होगा इसके रिजल्टेंट की ओर जाने की कोशिश करेगा। समझ पाई बात ये क्या कर रहा है स्टूडेंट। देखिए जो बोट है बोट जब ऐसे जा रही थी तो उस टाइम में क्या हुआ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ हवा चली तो आप जो होगी बोट की डायरेक्शन क्या होगी वो रिजल्टेंट के अलॉन्ग होंगे ठीक है। क्योंकि उसकी भी अपनी स्पीड है तो कुछ स्पीड ये कम कर दे रहा होगा ठीक है। ये स्पीड कुछ कम कर दे रहा होगा और इसकी वजह से क्या होगा जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगा वो क्या होगा रिजल्टेंट की हो जाएगी ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में क्या होगा बोट की डायरेक्शन होगी ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट मैंने क्या कहा था आपको यानी एक वेक्टर ये आ गया एक वेक्टर आ गया इसका रिजल्टेंट ये आ गया ठीक है। तो ये 60 था ये 60 था यहाँ से यहाँ तक 90 था ठीक है। तो ये कितना होगा 30 होगा ठीक है। ये 30 होगा ये 90 है तो 90 और 30 मिला गया ये 120 ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा ये 30 होगा ठीक है। ये 30 हो गया तो ये 90 प्लस 30 ये 120 का एंगल बना दिया यानी कंप्लीट एंगल 120 का और यहाँ पर ये 60 का ये छोटा सा एंगल 30 का ठीक है। और ये आप इसको बना लेना हाँ मैंने बनाया रख आई बात समझे। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखो ये अगर 90 है ये 90 होगा ना ये वाला तो बड़ा वाला 90 और ये 60 तो 90 और 60 हो गया ठीक है। ये 60 है और तो कितना होगा स्टूडेंट ये होगा आपका 30 का ठीक है। अगर नहीं आएगा समझ में आप लोग देख लेना ये 30 का होगा तो 60 और 30 मिला के क्या होगा टोटल 90 का हो जाएगा ना ये देखिए ये तब भी 90 बनेगा 60 होगा 30 होगा तभी 90 बनेगा ठीक है। अगर मेरे को ये क्योंकि हमको दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए होता है तो ये अगर मैं कंप्लीट एंगल की बात करूँगा यार यहाँ से यहाँ तक एंगल की बात करूँगा तो ये 120 होगा ठीक है। ये 120 एंगल कैसे होगा ये होगा तुम्हारा 90 प्लस 30 तभी ये 120 बना है ठीक है। ये आपको समझ में आ गया तो आप देखिए आगे क्या करना है हमको रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट निकालना सिंपल है तो वी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारे पास जो ये रिजल्टेंट होगा वी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ना बोट का स्क्वायर ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ जो करंट वाटर है उसका स्क्वायर प्लस 2VVC cos 120 ठीक है। 120 माइनस 1/2 होता है ठीक है वैल्यू याद रखना। तो 25 इसके वी का स्क्वायर इक्वल 25 का स्क्वायर प्लस करंट वाटर का स्क्वायर प्लस 2VV और VC माइनस 1/2 ठीक है। तो इसमें से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो सॉल्व करके जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी आपकी 21.8 किलोमीटर पर आवर। तो ये वेलोसिटी ऑफ ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी ठीक है। नहीं जो बोट की डायरेक्शन होगी यहाँ को जाना स्टार्ट करेगा ठीक है। तो डायरेक्शन भी निकालते स्टूडेंट डायरेक्शन भी आप फिर ऐसे निकालते हैं अलॉन्ग कैसे कि इसके रिस्पेक्ट में ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन जब निकालेंगे तो क्या आएगा जिसके रिस्पेक्ट में निकाल लें ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बीसी ना ये आप क्या बोल रहे आप अगर वेलोसिटी और अच्छा बोट के रिस्पेक्ट में ठीक है। बोट के रिस्पेक्ट में ये इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा बोट के रिस्पेक्ट में ठीक है। बोट के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट कहाँ होगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी तो 25 को अलग रख देंगे। देखें यहाँ पर रखा होगा ना देखिए 25 को अलग कर दिया बाकी 10 cos 120 ठीक है। ये समझ में आ गया होगा ना स्टूडेंट जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है ठीक है। आपको पूछना है इसमें हाँ ये देखना फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी तो रिजल्टेंट डायरेक्शन भी क्या होगा बोट का ही होगा ठीक है। तो बोट के रिस्पेक्ट में इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी आपकी 10 बीटा ठीक है। ये बीटा वाला ले लिया इसने ठीक है। इसमें आप इसमें कन्फ्यूज मत होना ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है यानी बोट के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन निकालनी है ठीक है। तो कितना होगा जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको अलग रख देना है देखिए उसको अलग रख देना बाकी ये 10 किलोमीटर पर आवर था 10 किलोमीटर sin θ + 10 cos θ cos θ की वैल्यू कितनी है 120 है थीटा मैंने साइन 120 की वैल्यू था √3/2 ठीक है। और यहाँ पर -1/2 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा इतना भी आप छोड़ देना स्टूडेंट ठीक है। √3/4 आएगा तब भी छोड़ेंगे तब भी सही मान जाएगा ठीक है ना। तो यहाँ से बीटा इक्वल आएगा 10 √3/4 ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखना स्टूडेंट इसको भी थोड़ा आप कोशिश करना सॉल्व करने की NCERT का क्वेश्चन है आपका इसका जो आंसर आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ बाद में इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। इसका जो रिजल्ट आ रहा है 37 आ रहा है 37 मीटर पर सेकेंड और जो 10 थीटा आ रहा है वो आ रहा है आपका 12 upon 35 ठीक है। और इसका डायग्राम भी इसमें आप एक बार कोशिश करना डायग्राम बनाने की ठीक है। फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाऊंगा स्टूडेंट ठीक है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।